हेलो फ्रेंड्स, आज हमें सी ए फाइनल जो इलेक्टिव पेपर 6D है उसका फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया गया है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन बढ़ता है कि व्हाट इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन विच 160 मेंबर्स आर कंट्रीज और नेशन, आउट ऑफ विच 117 इज डेवलपिंग कंट्री एंड 47 इज डेवलप्ड कंट्री। ये जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ उसका 1995 में हुआ, तो क्या इससे पहले वर्ल्ड लेवल पे ट्रेड नहीं होती थी? यस ऑफ कोर्स होती थी। तो उससे पहले कैसे होती थी? उससे पहले होती थी GATT के थ्रू, दैट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स। ये एक एग्रीमेंट था जो इन सभी कंट्रीज ने साइन किया हुआ था। इस कंट्रीज इन एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही जो ग्लोबल लेवल पर ट्रेड है वो हुआ करता था। इट वाज अ सीरीज ऑफ जो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स है वो क्या है? एक्चुअली इट वाज अ सीरीज ऑफ रूल्स, ए मल्टीलेटरल एग्रीमेंट विदाउट एन इंस्टीट्यूशनल फाउंडेशन एज विद जस्ट एन एडहॉक सेक्रेटेरिएट, ओरिजिनली फ्रॉम अटेम्प्ट टू एस्टेब्लिश एन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन 1940s। 1940s में जब विश्व युद्ध हो रहे थे तो उस समय इन कंट्रीज ने, मतलब वर्ल्ड ट्रेड, उसके बाद जो है वर्ल्ड ट्रेड वर्ल्ड में, मतलब वर्ल्ड लेवल पे ट्रेड करने के लिए एक एग्रीमेंट किया जिसके थ्रू कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता था तो उसका सेटलमेंट होता था। अब इसमें क्या था कि ये एक रूल्स एंड रेगुलेशंस कंटेन करके एक एग्रीमेंट में लिखा हुआ था। इसका एक कोई पर्टिकुलर ना फिक्स फंड फाउंडेशन नहीं था, मतलब जहाँ पे हम जा करके, एक्चुअली में जा करके हम अपने कोई भी जो डिस्प्यूट है उसको उठा सके। तो ये एक सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक था। इसकी इसी को ड्रॉबैक को दूर करने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई 1995 में। 1995 में इसकी स्थापना हुई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज ए परमानेंट इंस्टीट्यूशन विद इट्स ओन सेक्रेटेरिएट। अब जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसकी एक पर्टिकुलर फाउंडेशन है, एक पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट है, एक प्लेस है जहां पर जाकर के जो ये कंट्रीज मेंबर हैं ये अपने भी इश्यूज को उठा सकती हैं और उसका रेजोल्यूशन भी उनको मिल जाता है। फिर अब हम अगर डेफिनेशन की बात करें कि हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो उस केस में जो है वो सबसे पहला ऑप्शन आता है कि हाउ टू डिफाइन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद रूल्स और ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज एंड नेशन, ये जो है इसको हम कह सकते हैं। एट द हार्ट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आर द एग्रीमेंट नेगोशिएटेड एंड साइन बाय द बल्क ऑफ वर्ल्ड ट्रेडिंग नेशंस एंड रेटिफाइड इन देयर पार्लियामेंट। जो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये एक एग्रीमेंट का समूह है जिसको इसके मेंबर्स ने, नेशंस हैं उन्होंने साइन किया हुआ है और उस एग्रीमेंट को उन उन नेशंस के पार्लियामेंट ने रेटिफाई किया हुआ है। अब पर्पस क्यों आया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, क्यों बनाया गया? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज द मेन पर्पस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज टू एंश्योर द ग्लोबल ट्रेड कॉमर्स स्मूथली फ्रीली एंड प्रिडिक्टेबल। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हैज प्रिपेयर्ड रूल एंड रेगुलेशन फॉर द सेम। जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, बेसिक पर्पज है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कि ताकि जो वर्ल्ड लेवल पे ट्रेड है वो बड़े स्मूथली तरीके से और फेयरली तरीके से हो सके और कोई भी उन पे अगर डिस्प्यूट आता है तो उसका रेजोल्यूशन भी प्रॉपर हो सके। अब क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ऑब्जेक्टिव क्यों बनाया गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? एनफोर्स द रूल फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, प्रोवाइड द फॉर्म फॉर नेगोशिएशन एंड मॉनिटरिंग फर्दर ट्रेड लिबरलाइजेशन, टू रिड्यूस द ट्रेड डिस्प्यूट, टू इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कोऑपरेटिंग विद अदर इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन। जो जो सबसे पहले जो GATT था, जो एग्रीमेंट था, उसके क्या ड्रॉबैक्स थे? उसकी ड्रॉबैक्स था कि उसका एक फंडामेंटल कोई प्लेस नहीं था। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने वही किया कि एक फंडामेंटल प्लेस प्रोवाइड किया जहाँ पे जो डिस्प्यूट है उसका रिजोल्यूशन मिलता है। और इसके अंदर क्या है, ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज किया गया ताकि उससे डिसीजन मेकिंग में इजी हो सके। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो अदर ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल लेवल पे है उनके साथ कोऑपरेट करके रखती है ताकि
उनका जो हेल्प है वो मिल सके इनके जो डिस्प्यूट को है उसको सॉल्व करने के लिए। चलिए अब जो है वो नेक्स्ट हम बताते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सबसे जो टॉप बॉडी है वो है मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस। इसके बाद आता है जनरल काउंसिल। जनरल काउंसिल बनाता है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी और यही बनाता है ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। दो दो बॉडी जनरल काउंसिल बनाता है। तो जो ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी है उसका काम बेसिकली ये है कि जो इन्होंने पॉलिसीज बनाए हुए हैं उसको टाइम टू टाइम रिव्यू करना। जो इनकी मीटिंग होती है जनरल काउंसिल की वो 2 साल में एक बार मिलते हैं। जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है वो फर्दर अपीलेट बॉडी ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल ये इसका गठन करती है, इसको बनाती है ताकि जो भी कोई डिस्प्यूट्स आते हैं उसका रिजोल्यूशन टाइमली हो सके। इसी सीरीज में हमारे पास जो जनरल काउंसिल के बाद फर्दर इनको 3 रूट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो है वो है काउंसिल फॉर द ट्रेड इन गुड्स, काउंसिल फॉर द ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, एंड थर्ड है काउंसिल फॉर द ट्रेड एंड सर्विसेज। इसका मतलब क्या हुआ, जो ट्रेड है वर्ल्ड लेवल पे जो जितने तरह की ट्रेड होती हैं उसके अंदर 3 ही कैटेगरी बेसिकली आती है, या तो गुड्स होगा या तो सर्विस होगा या तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई कंट्री कोई इन्वेंशन करती है नया तो उसका चाहती है कि पेटेंट हो जाए और उसका कोई दूसरी कंट्री उसका कॉपी करके यूज ना कर ले, तो इसकी वजह से वो इंटरनेशनल लेवल पे उसका पेटेंट करवा लेती है। तो वही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की सुरक्षा, उसकी सेफगार्ड और उसका प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कैसे सुनिश्चित किया जाए ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो ये वाला सेगमेंट है वो उसको देखता है। अब जो काउंसिल फॉर ट्रेड एंड गुड्स है इसको रेगुलेट यानी इसका जो पार्ट्स हैं वो क्या क्या है, ये कैसे रेगुलेट होता है। सबसे पहली बात, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो एग्रीमेंट्स का भंडार है। वो उसका जो टोटल स्ट्रक्चर है, जो उसका बेस है जिस पर टिका हुआ है वो एग्रीमेंट्स ही है। सभी एग्रीमेंट्स है जो कंट्रीज के बीच में है उन एग्रीमेंट के बेसिस पे ही उसकी सारी डीलिंग होती है। अब इसी तरीके से जो गुड्स से रिलेटेड है उसमें हमारे पास वो जनरल एग्रीमेंट फॉर ऑन ट्रेड टैरिफ एंड ट्रेड्स, एग्रीकल्चर एग्रीमेंट, टेक्सटाइल एंड क्लॉथ एग्रीमेंट, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड एग्रीमेंट, उसके बाद एग्रीमेंट टू ट्रेड रिलेशन इन्वेस्टमेंट मेजर, एग्रीमेंट ऑन रूल ऑफ ओरिजन, एग्रीमेंट ऑन सेफ गार्ड्स। इस तरह के एग्रीमेंट जो है वो गुड्स से रिलेटेड है। उसी तरीके से कुछ जनरल एग्रीमेंट्स हैं जो सर्विसेज से रिलेटेड हो गए और कुछ जो ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है किस कंट्री की है, उसकी जेन्युइननेस क्या है, उसका जो यूज है वो कैसे कर सकते हैं, इसका जो इस्तेमाल है वो अमंग द मेंबर्स जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं उनको हम कैसे कैसे दे सकते हैं उसके बारे में बताया गया, उसकी सेफ गार्ड के बारे में बताया गया, और अगर उसमें कोई इशू आता है कोई डिस्प्यूट आता है तो उसका रिजोल्यूशन जो ये है डीएसबी है वो कैसे करेगा उसके बारे में इन एग्रीमेंट्स में प्री डिफाइन होता है। अब यहां तक हमने ये एक ओवरव्यू लिया कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का बेसिकली स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। अब जैसे कि पहले हमने देखा था कि जो जीएटी था जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड 1940s के रेंज में जो बनाया गया था उसमें जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि उसका एक फंडामेंटल्स कहीं नहीं था, मतलब फाउंडेशन नहीं था एक्चुअली में कहीं कि जहां पर जाकर के हम डिस्प्यूट को राइज कर सकें और उसका सोल्यूशन पा सकें। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक फाउंडेशन है जिसको 700 स्टाफ सपोर्ट करता है, एक सेक्रेटेरिएट है इसका, अपना सेक्रेटेरिएट है जिसको 700 स्टाफ सपोर्ट करता है। ये लीड होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ डब्ल्यूटीओ के अकॉर्डिंग। इसका जो लीडिंग लीडिंग अथॉरिटी है, जो सबसे टॉप वर्ल्ड अथॉरिटी है वो है डायरेक्टर जनरल ऑफ डब्ल्यूटीओ। ये लोकेटेड कहाँ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड इन जिनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। इसका जो बजट था 2017 में वो था $180 मिलियन, $180 मिलियन इतना इसका बजट अलॉट हुआ था। अब जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो 3 तरह की लैंग्वेज में डील करता है। सबसे पहला जो इंग्लिश है वो सभी कंट्रीज में चलता है, स्विस भाषा में, और फ्रेंच। ये 3 तरह की लैंग्वेज में इसकी जो बेसिकली कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है वो 3 तरह की है जिसमें इनका डॉक्यूमेंटेशन आपस में डिस्कस होता है। नेक्स्ट हम आते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का बेसिकल प्रिंसिपल क्या है, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसका मूलभूत जो आधार है वो क्या है, वो है कि ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के आपस में ट्रेड करना, आपस में बिजनेस करना। अब इसके 2 पार्ट्स हैं, जो अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसके 2 पार्ट हैं। एक होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन और दूसरा होता है नेशनल ट्रीटमेंट। मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट किसी एक कंट्री को कर रहे हैं जो कि डब्ल्यूटीओ की मेंबर है,
उसको आपने कोई विशेष बेनिफिट दिया है, तो आपको वो बेनिफिट WTO के ऑल अदर मेंबर्स को देना पड़ेगा अगर आप उनसे भी डीलिंग करते हैं तो। नेशनल ट्रीटमेंट क्या कहता है? नेशनल ट्रीटमेंट कहता है कि जो ट्रीटिंग फॉरेनर्स एंड लोकल इक्वली, यानी जो आपका इम्पोर्टेड गुड्स है एज वेल एज डोमेस्टिक गुड्स है, उन दोनों को आप एक समान भाव से देखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप डोमेस्टिक को ऊपर बूस्ट करने के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी वगैरह लगा देंगे जिससे कि जो इम्पोर्ट वाला गुड्स है यानी जो फॉरेन का गुड्स है वो बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाए, वो कम्पीट ही ना कर पाए। तो इस तरीके का भेदभाव नहीं चलेगा WTO मेंबर्स के अमंग में। मोस्ट फेवर्ड नेशन, ट्रीटिंग अदर पीपल इक्वली, कंट्री कैन नॉट नॉर्मली डिस्क्रिमिनेट बिटवीन देयर ट्रेडिंग पार्टनर्स लाइक ग्रांट्स।